गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और कुछ टाइम पहले हमने एक पोल डाला था अपने कम्युनिटी पोस्ट में, नियरली 296 लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के पोल में हिस्सा लिया और 53% लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया था रायपुर वाजे एक्सप्रेसवे के कोरापुट सेक्शन में। सो या वी आर विद द अपडेट। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रायपुर वाजे एक्सप्रेसवे के कोरापुट सेक्शन का अपडेट। उड़ीसा में ये एक्सप्रेसवे तकरीबन 240 किलोमीटर ट्रैवल करता है आउट ऑफ 464 जो कि इस एक्सप्रेसवे का टोटल लेंथ है। उड़ीसा में एक्सप्रेसवे मेनली दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। सबसे पहले आता है नवरंगपुर और नेक्स्ट है हमारा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। आज हम देखने वाले हैं उड़ीसा में पैकेज 6 का प्रोग्रेस अपडेट। पैकेज 6 का पूरा लेंथ है 45.5 किलोमीटर का और इस पैकेज में कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। वैसे आपको बता दूं, पैकेज 5 और पैकेज 6 दोनों ही पैकेज में HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ही काम कर रही है। पैकेज 6 की शुरुआत होती है सुंकी टनल से जो कि बराजा में आता है। अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये है सुंकी टनल का एंट्री पॉइंट। लोकेशन है बराजा, डिस्ट्रिक्ट कोरापुट, उड़ीसा। इस टनल का वीडियो हमने कुछ समय पहले पोस्ट किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हैं। इस टनल से हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे कोरापुट तक का प्रोग्रेस अपडेट। अनफॉर्चुनेटली इस बार हमें टनल के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली, इसलिए इस बार हम टनल का कोई अपडेट आपको नहीं दिखा पाएंगे। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हो सकता है नेक्स्ट टाइम हमें अंदर जाने की परमिशन मिल जाए तो अगली बार आपको टनल के अंदर का भी अपडेट दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और देखते हैं यहाँ से पैकेज 6 के 45 किलोमीटर के हिस्से में कितना काम हुआ है। यहाँ से आगे चले तो आपको बताता हूँ, यहाँ पे बन सकता है एक इंटरचेंज। अभी से इंटरचेंज का नाम क्या होगा करंटली मुझे आइडिया नहीं है। हो सकता है बराजा इंटरचेंज नाम पड़ जाए या फिर सुंकी इंटरचेंज नाम पड़ जाए, एग्जैक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। बस यहाँ पे बनेगा इंटरचेंज, तो ये इंटरचेंज के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस इंटरचेंज से निकलने के बाद आप कनेक्ट कर पाएंगे नेशनल हाईवे नंबर 26 के ऊपर, यानी 26 को रायपुर जगदलपुर विशाखापट्टनम रोड भी कह सकते हैं या फिर आप इसे जयपुर विजयनगरम रोड भी कह सकते हैं। इस इंटरचेंज से नेशनल हाईवे नंबर 26 का डिस्टेंस तकरीबन 10 किलोमीटर का होने वाला है। इस इंटरचेंज से निकल के आप अराकू वैली की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ से अराकू वैली का डिस्टेंस सिर्फ 32 किलोमीटर का है। खैर, यहाँ से आगे चलते हैं और आगे का प्रोग्रेस अपडेट देखेंगे। आगे आपको काम कंप्लीट जैसा दिखेगा, बट थोड़े ही सेक्शन में काम कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अर्थवर्क ही ज़्यादातर एरिया में हो रहा है। नेक्स्ट आपको एलिवेटेड सेक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे टोटल 14 पिलर्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि 10 पिलर्स पे पियर कैप तक काम हो चुका है, बाकी में अभी चल ही रहा है। यहाँ से थोड़ा और आगे चलें तो हिल्स के बीच से एक्सप्रेसवे क्रॉस हो रहा है और इस एरिया में काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अदर देन डिवाइडर, क्रैश बैरियर एंड बाउंड्रीज। थोड़ा और आगे देखें तो डिवाइडर भी बन चुका है ऐसा लग रहा है और काफी दूर तक प्रोग्रेस ऐसा ही नजर आ रहा है, इसलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आगे चल के देखते हैं आगे कितना कुछ काम हुआ है। यहाँ से थोड़ा और आगे चले दोस्तों तो इस एरिया में आप देखेंगे काफ़ी सारे हिल्स हैं, क्योंकि ये एरिया
सुनकी घाट और कोरापुट का जो एरिया है वो पूरा एरिया हिली सेक्शन का एरिया, यहाँ पे कहीं पे भी जमीन फ्लैट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे जगहों पे छोटे बड़े ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। करंटली अपन स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, यहाँ पे एक और छोटा सा एलिवेटेड सेक्शन बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जमीन फ्लैट नहीं है यहाँ पे, और दो हिल्स के बीच में से ये एक्सप्रेस वे यहाँ पे क्रॉस होने वाला है। और इस जगह पे आप देखेंगे मेजॉरिटी एरियाज में सिर्फ अर्थवर्क का ही काम चल रहा है, करंटली यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब चलते हैं फटाफट इन दोनों हिल्स के बीच में से निकलते हैं बाहर और देखेंगे आगे के एरिया में क्या कुछ काम चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों हिल्स के बीच में से किस तरीके से पहाड़ को काटा जा रहा है, ना सिर्फ पहाड़ को बल्कि न जाने कितने ही पेड़ों को काटा जा रहा है इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि सरकार जितने पेड़ को काट रही है उतने ही ट्रीज को प्लांट भी कर रही होगी कहीं ना कहीं। अब कहाँ पे ये प्लांटेशन हो रहा है करंटली मुझे तो पता नहीं है, मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि प्लांटेशन हो रहा होगा कहीं ना कहीं। करंटली यहाँ पे आप देखेंगे पहाड़ को काटने का काम चल ही रहा है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा इन लोकेशंस में सड़क को कंप्लीट करने में। यहाँ थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको अदर देन अर्थवर्क सच कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं देगा इन लोकेशंस में, क्योंकि ऐसे लोकेशंस में काम करना डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। बट आई मस्ट से HG इंफ्रा काफ़ी अच्छा काम कर रही है जगह पे। यहाँ से आगे थोड़ा सा देखेंगे तो बॉक्स कलवर्ट वगैरह काफ़ी जगह पे बन चुका है और यहाँ से आगे बीच बीच में छोटे छोटे पैच में आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता हुआ नज़र आ जाएगा, बट वहाँ पे भी अभी काफ़ी ज़्यादा काम बचा है। इस पूरे एक्सप्रेसवे को रेडी होने में मुझे लगता है कम से कम 1.5 ईयर्स और लग सकते हैं। वैसे भी 2025 में इस एक्सप्रेसवे का डेडलाइन है कंप्लीट करने का। यहाँ से थोड़ा और आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे HG इंफ्रा का बेस कैंप है और इस लोकेशन में भी अदर देन अर्थवर्क एज सच कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलता है आपको। लेकिन जैसे ही आप इस हिली सेक्शन को क्रॉस करते हैं यहाँ पे एक बार फिर से कंप्लीशन के स्टेज तक लगभग काम हो चुका है, रोड लेंग भी हो चुकी है, यहाँ पे अभी मार्किंग क्रैश बैरियर और बाउंड्रीज लगाना बाकी है। उम्मीद करते हैं कि वो सब कुछ बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर वहाँ से हम थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं और यहाँ पे एक व्हीकल ओवरपास आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पास में ही एक लोकल रोड है जिसकी वजह से लोगों को एक्सप्रेसवे के ऊपर से निकलने में आसानी होगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीशन के स्टेज पे काम पहुँच चुका है, रोड लाइन हो चुकी है, मार्किंग सभी लग करना बाकी है, क्रैश बैरियर्स लगाना बाकी है, बाउंड्रीज आप देखेंगे लेफ्ट और राइट थोड़े थोड़े जगहों पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ा और आगे चलें तो यहाँ पे भी आपको छोटा सा एलिवेटेड सेक्शन देखने को मिलता है, 5-10 पिलर्स इसमें लगे हैं लग तकरीबन, जिसमें से 3-4 पिलर्स का काम हो चुका है, पियर कैप भी बन चुका है, बाकी पिलर्स में कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। और यहाँ से आगे भी रोड लिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। थोड़ा और आगे आपको दिख रहा होगा राइट साइड में रोड लिंग हो चुकी है, लेफ्ट साइड में अर्थवर्क चल ही रहा है और इसी तरीके का मिक्स्ड जो कंस्ट्रक्शन है वो तकरीबन पूरे एरिया में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो ब्लैक टॉप का एरिया आप देख रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे रिसेंटली ही रोड लिंग की गई है। फिर यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलें तो इस जगह पे आपको एक एलिवेटेड सेक्शन देखने को मिलेगा और आगे का एरिया अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूँ इस जगह पे बन रहा है एक इंटरचेंज। इस इंटरचेंज का नाम हो सकता है कुंडली या कांडेली, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कांडेली इंटरचेंज यहाँ पर बन सकता है क्योंकि नियर बाई जो लोकेशन है उस जगह का नाम है कांडेली इंटरचेंज। ये एरिया आता है पोटांगी एरिया में, ये सॉरी कुंडली इंटरचेंज आप देख सकते हैं। इस इंटरचेंज से निकलने के बाद
आप NH26 पर कनेक्ट कर पाएंगे। साथ में सोलना, बेड़ा, कोरापुट, जयपुर, बोरीघुमा या फिर पोटांगी, सालूर जैसे लोकेशंस में आप NH26 को यूज़ करके जा सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। इसे इंटरचेंज से NH26 का डिस्टेंस तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास का होने वाला है। आप देख सकते हैं करंटली इंटरचेंज का काम चल रहा है और सेंट्रल में जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पर रोड लिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मार्किंग्स, क्रैश बैरियर और बाकी चीज़ें अभी इंस्टॉल होना बाकी है। इंटरचेंज के लिए जो सर्कल है उसे बना लिया गया है, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत रोड लिंक हो चुकी है, बट ऐसा कोई ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगा अभी तो। यहाँ पे टोल प्लाजा वगैरह काफ़ी कुछ थोड़ा इंस्टॉल करना बाकी है जो कि आने वाले समय में किया जाएगा इंस्टॉल। अब यहाँ से आगे चलें तो काफ़ी दूर तक आपको नज़र आ जाएगा, मेजॉरिटी एरियाज़ में सिर्फ अर्थवर्क चल रहा है, छोटे छोटे पैच में रोड लाइन कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि हमने पैकेज 2 में देखा था, मार्किंग्स, क्रैश बैरियर, बाउंड्री सब कुछ इंस्टॉल हो चुका था। ऐसा कोई भी एरिया OD5 या OD6 के लोकेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि OD5 और OD6 का दोनों का जो तकरीबन 90-95 किलोमीटर का एरिया है, ये पूरा एरिया हिली सेक्शन के बीच में सब पास होता है और एक नॉर्मल फ्लैट सरफेस कंपेयर में हिली सेक्शन में काम करना डेफिनेटली ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, ज़्यादा मुश्किल होता है और टाइम टेकिंग तो होता ही है। और यहाँ जो थोड़ा सा आगे हैं, आगे चलते हैं, आपको एक एलिवेटेड सेक्शन दिखेगा, छोटा सा एलिवेटेड सेक्शन है क्योंकि ये एक्सप्रेसवे इस पॉइंट पे NH26 को क्रॉस करने वाला है। NH26 को आप कह सकते हैं रायपुर जगदलपुर विशाखापट्टनम हाईवे या फिर जयपुर विजयनगरम हाईवे भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ से आगे भी प्रोग्रेस ऑलमोस्ट सेम है और आगे एक और आपको एलिवेटेड सेक्शन दिखेगा, इस पॉइंट पे भी ये एक्सप्रेस वे फिर से NH26 को क्रॉस करने वाला है। यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं और आगे का प्रोग्रेस देखते हैं। तो यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपको फिर से एक एलिवेटेड सेक्शन दिखेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हिली सेक्शन है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एलिवेटेड सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, छोटे बड़े न जाने कितने सारे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस एक्सप्रेस वे पे, स्पेशली OD5 और OD6 के एरिया में। और यहाँ पर ये एक्सप्रेस वे NH26 के पैरेलल ही जाने वाला है अप टू कोरापुट। आप देख सकते हैं किस तरीके से काम चल रहा है, क्योंकि हिली सेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा इन जगहों पे कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में। थोड़ा आगे चलते हैं, आपको एक खूबसूरत सी बिल्डिंग दिख रही होगी जो कि एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट के बीच में आ रही है। इस बिल्डिंग के बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये एक कॉलेज की बिल्डिंग थी जिसे लेटर ऑन हैंड ओवर कर दिया गया कंस्ट्रक्शन कंपनी को, और इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना ऑफिस बना लिया एज ए बेस कैंप। और यहाँ पे क्योंकि हिली सेक्शन है तो पहाड़ों को पूरी तरीके से काटा नहीं गया है, अभी काम चल ही रहा है अर्थवर्क का। और यहाँ पे जेनफ्रा का ये बेस कैंप है, तो काफ़ी सारे मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं। और यहीं पर राइट साइड में आपको उनका बेस कैंप दिख जाएगा, क्रशिंग प्लांट है और काफ़ी सारी चीज़ें यहीं पर आपको मिल जाती हैं अच्छी इन्फ्रा की। और यहाँ से आगे भी प्रोग्रेस ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत ही कंस्ट्रक्शन हुआ है, ऐसा कोई ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया NH26 के पैरेलल ही एक्सप्रेस वे चलने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे फिर से एक एलिवेटेड सेक्शन दिखेगा जहाँ पे पीरिया से काम हो चुका है, गडर इरेक्शन हो चुका है, टॉप डेक इंस्टॉल करना अभी बाकी है, उसके आगे अर्थवर्क का काम चल रहा है, फिर एक बॉक्स कलवर्ट बनाया जा रहा है और वहाँ से आगे भी कंस्ट्रक्शन वैसे ही है जैसा आपने पहले अभी तक देखा है।
कंस्ट्रक्शन तो अभी तक आपने देखा कुछ इसी तरीके से काम चल रहा है। आने वाले वीडियो में हम आपको ODA6 का दूसरा एरिया भी दिखाएंगे जो कि टिपिकल माउंटेन्स के बीच में आने वाला है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आया होगा पसंद। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो का पार्ट 2 भी हम बनाएंगे जहाँ पे आपको बाकी का एरिया दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।